हेलो गाइस, प्लस पॉइंट का यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। अभी आज मैं एक नया प्रकार का लेवल चालू करने वाला हूँ जो कि है इजी सर्किट मेकिंग। अभी इजी सर्किट मेकिंग क्या है, तो आप में से कई सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने कंपोनेंट पे तो बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, अभी कोई सर्किट के ऊपर वीडियो बनाई है। लेकिन पहले सर्किट आपको सीखना तो पड़ेगा। ये जो किट मेरे सामने रखी हुई, ये जॉयट फन विद जॉय की जॉयट्रॉनिक्स की किट है जो कि मैं विशा वर्ल्ड से लिया हुआ है। और इस किट की खासियत ऐसी है कि आप ये किट के ज़रिए एक छोटे बच्चे से, यानी एक आठ साल का एज है, वहाँ से लेके इंजीनियर तक हर कोई ये किट का आसानी से इस्तेमाल कर सकता है और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। तो मैं इसकी जो शुरुआत करने वाला ये सीरीज़ की, इसमें सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ फन विद जॉय 150+। ये 150+ में तुम 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना पाओगे, जिसमें FM रेडियो है, कुछ रीड स्विच यानी कि मैग्नेटिक स्विच है, और उसके ज़रिए LEDs या फैन जैसा कुछ चीज़ों बनाने वाले हैं। उसके बाद मैं जो सीरीज़ बनाऊँगा वो है 600+, यानी कि इसमें से 600 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट बन सकता है। ये जो वीडियो है इसमें भी मैं 4 प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ 150+ में, इसमें भी मैं 4 प्रोजेक्ट बना के दिखाने वाला हूँ, यानी कि इसमें 2 वीडियो बनेंगे, 2 प्रोजेक्ट के लिए एक वीडियो, दूसरे 2 प्रोजेक्ट के लिए एक वीडियो। इसमें भी वैसे ही 4 वीडियो, टोटल 2 वीडियो बनेंगे 4 प्रोजेक्ट के लिए 600+। उसके बाद में जो आता है वो है 1000+। ये 1000+ के अंदर भी पूरी डिटेल, यानी कि इसमें बुकलेट और जो भी चीज़ है पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर 2 एक्सपेरिमेंट उसके, और दूसरे वीडियो में इसकी ही दूसरे 2 एक्सपेरिमेंट, टोटल 4 एक्सपेरिमेंट इसके भी करूँगा। और उसके बाद में जो आखिरी में आता है वो है 2000+। ये सबसे बड़ा किट है जो कि 2000 से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसमें अनगिनत प्रैक्टिकल्स है, 2-2 बुकलेट है और बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल है, 7-segment डिस्प्ले है, वैसे कई सारी चीज़ें इसमें लगी हुई है और उसके ज़रिए हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें भी टोटल 4 प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी कि इसके भी टोटल 2 वीडियो बनेंगे। अब तक जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई है, ये 4 प्रोजेक्ट के 2-2 वीडियो, यानी टोटल 8 वीडियो में ये पूरी चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा मैं, ओके। और इसमें खासियत यह है कि मैं जो पहला 150+ वाला जो वीडियो है वो मेरे सन यानी कि क्रिस शाह से मैं 2 प्रोजेक्ट आपको पहले के 2 प्रोजेक्ट करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रोजेक्ट। पहले तो मैं आपको इट्स के इंटरनल पार्ट्स बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर इसके ऊपर से 2 प्रोजेक्ट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। हम लोग एक नया किट लाए हैं आपके लिए। ये जो किट है, इस किट से हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के सर्किट्स बना सकते हैं और बिना वायर के, बिना ब्रेडबोर्ड के हम लोग सर्किट्स बनाने वाले हैं, जिससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। चलिए खोलते हैं इस किट को। वैसे ये किट जो है मुझे विशा वर्ल्ड से ही मिला है। ये किट आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो सूटकेस जैसा ये किट है, काफ़ी अच्छी तरह से पैक किया हुआ, और इस किट में बहुत ढेर सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जैसे आप देख रहे कि एक अच्छे से ट्रे में पैक किया हुआ अलग अलग किट्स का एक अच्छा सा सेट मुझे मिल रहा है। साथ ही मुझे इस किट में मिल रहा है एक बुकलेट। इस बुकलेट में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सारे एक्सपेरिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन दिया होगा। इस किट से आप 150 से ज़्यादा अलग अलग सर्किट्स बना सकते हैं। तो चलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं और देखते हैं कि इस किट में क्या क्या हमें मिलता है। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि आज मेरा बच्चा यानी कि मेरा सन आपको 1-2 एक्सपेरिमेंट करके बताएगा इस वीडियो के अंदर, जो कि पहला रीड स्विच के ऊपर एक LED को ग्लो करेगा, और दूसरा जो है एक मोटर से फैन को चलाएगा एक छोटे से पुश स्विच के जरिए। तो चलिए देखते हैं दोनों प्रैक्टिकल। यस, तो आपका नाम क्या बताया? क्रिस शाह। ओके, सो कैसे बनाओगे मुझे बताइए जरा एक बार। ये क्या है, ये चीज़ क्या है? ओके, तो चलिए बनाइए प्रोजेक्ट। ओके, तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो एक प्रकार की लाइन है जिसके ज़रिए सप्लाई आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, और ये ग्रीन कलर में जो है वो है रीड स्विच। ओके, और ये क्या है? ये रेड जो है LED लाइट है। ओके, तो देखते हैं अभी ग्लो हो रहा है कि नहीं LED लाइट।
वाओ, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया है। ये जो बैटरी से एक रीड स्विच लगाया है, मतलब यहाँ पे एक स्विच है, ये एलईडी लाइट है और एक पैनल है जो बैटरी के साथ में जोड़ने का काम करता है, सर्किट कंप्लीट करने का। और जैसे ही ये मैग्नेट जो है वो लगाइए इसके ऊपर मैग्नेट, जैसे ही मैग्नेट यहाँ पे लगाता है तो ये एलईडी जो है ग्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक और काफ़ी बढ़िया जो एक्सपेरिमेंट बोला जाए वो है। अभी दूसरा क्रिश, आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे, फैन वाला करोगे आप? यस। ओके, तो अभी आप रीड स्विच की जगह पे पुश स्विच लगाइए। और ये एलईडी की जगह पे है मोटर लगा के एक बार दिखाइए। ये देखो कितना सिंपल है कि आराम से स्नैप करके, इसको हम लोग स्नैप सर्किट भी बोल सकते हैं, स्नैप करके कोई भी सर्किट आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, और इसके ऊपर फ़ैन भी लगा दिया, ये मोटर है उसके ऊपर फ़ैन। वाओ, शायद दिख रहा है आपको कि ये फ़ैन जो है बार बार निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे लग चुका है फ़ैन। ओके, वाओ, यानी फ़ैन भी घूम रहा है। और यहाँ पे जो है एक टच स्विच जैसा कुछ लगा हुआ है जिसके ज़रिए फ़ैन चल रहा है, और जैसे आप हाथ हटा दो क्रिश तो ये फ़ैन बंद हो गया। ओके, और वापस दबाइए। ओके, ग्रेट। सो कैसा लगता है आपको ये सर्किट बनाने के लिए, मज़ा आता है? यस। सो और भी अच्छे अच्छे सर्किट आप बना पाओगे इससे? यस। ओके, हालांकि मैंने ये देखा इसने काफ़ी अच्छे अच्छे सर्किट्स बनाए और इतना इजीली सीख गया वो कि मुझे सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये किट का यही फ़ायदा होता है कि एक आसानी से कोई भी सर्किट आप डिज़ाइन कर सकते हो। चलिए अभी दूसरे दो जो है एक्सपेरिमेंट इसी किट के, वो थोड़े बड़े हैं, तो मैं दूसरे सर के साथ में ये वीडियो को कंप्लीट करूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हेलो गाइस, तो फिर आप मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ हमारे ऑनलाइन कोर्स भी शुरू होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर। इसके लिए काम चालू है लेकिन 3-4 महीने और जाएंगे। आप खाली कॉन्टैक्ट में रहिए तो आपको तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ऑफलाइन बैचेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक की बैच जून में शुरू होगी, एम्बेडेड सिस्टम की जुलाई में और इलेक्ट्रिकल की अगस्त में। सो अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे। और अगर आपको ये जो वीडियो हम लोग ने बनाया वो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूले, और ज़रूर शेयर भी कीजिए। और अगर अब तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।